नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। यूपी पीसीएस और खंड शिक्षा अधिकारी का यह टेस्ट संख्या 130 है और यह पूरा का पूरा रामबाण टेस्ट सीरीज है। आप लोग खुद देख रहे हैं, 11,000 रामबाण 11,000 प्रश्नों की है रामबाण टेस्ट सीरीज। यह 11,000 रामबाण प्रश्नों की सीरीज है। यूपी पीसीएस हो या फिर एमपीपीसीएस हो या फिर आरपीएससी हो या फिर बीपीएससी हो या फिर उत्तराखंड पीसीएस हो, कोई भी एक दिवसीय परीक्षा हो, हिंदुस्तान के अंदर कोई भी एक दिवसीय परीक्षा हो जिसमें जीएस का वर्चस्व रहता है, उन सभी के लिए यह 11,000 रामबाण प्रश्नों की सीरीज बहुत ही लाभदायक होगी। यह पीसीएस पाठशाला का अपना टेस्ट सीरीज है जो आप लोग को प्रोवाइड किया जाएगा। देखिए दोस्तों, यह यूपीएससी की कुल 15 प्रतिष्ठित पुस्तकों का सारगर्भित अध्ययन है और आप लोग खुद देख सकते हैं इसमें 1050 पेज हैं और कुल 1050 पेज का पूरा का पूरा पीडीएफ है और इसमें 11,000 रामबाण प्रश्नों की सीरीज है। दोस्तों 11,000 रामबाण प्रश्नों की सीरीज है, पूरा का पूरा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी और साइंस, कंप्यूटर, आविष्कार और विज्ञान सब कुछ समाहित किया गया है इसमें। संस्कृति, कला और संस्कृति सब कुछ समाहित किया गया है। जो भी पीसीएस स्तर की परीक्षाओं में जो भी सब्जेक्ट होते हैं सबको समाहित किया गया है। तो देखिए दोस्तों, अगर आप लोग यह पूरा का पूरा पीडीएफ लेना चाहते हैं, कुल 11,000 रामबाण प्रश्नों की सीरीज है और की कोई भी परीक्षा हो, आपकी कोई भी परीक्षा हो, हर परीक्षा की दृष्टि से हमारी यह सामग्री बहुत ही रामबाण सिद्ध होगी। देखिए दोस्तों, यह मेरा फ़ोनपे नंबर है 83 18 39 72 76 यह मेरा फ़ोनपे भी है और व्हाट्सअप भी है और डिस्क्रिप्शन में मैं यह जो मैं नंबर बताया हूँ यह डिस्क्रिप्शन में रहेगा। यह फ़ोनपे भी है, व्हाट्सअप भी है। देखिए दोस्तों, आपको पे करना होगा ओनली 300 आप पे करेंगे। स्क्रीनशॉट आप जो ही भेजेंगे हमारे व्हाट्सअप पर, मैं आप लोग को 11,000 रामबाण प्रश्नों की सीरीज आप लोग को दे दूँगा। ठीक है दोस्तों, आइए सीधे प्रश्नों पे आते हैं, जहाँ से खत्म किए थे वहीं से शुरू करते हैं। और आप लोग यह जान लें, यह 11,000 रामबाण प्रश्नों की सीरीज है, कोई भी एक दिवसीय परीक्षा हो हिंदुस्तान के अंदर जिसमें जीएस का वर्चस्व रहता है, उन सभी परीक्षाओं का यह संपूर्ण समग्र अवलोकन है, कुछ भी छूटने वाला नहीं है। तो आइए सीधे प्रश्नों पे आते हैं। तो देखिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 451 देखिएगा। राज्यसभा का सदस्यों का सेवाकाल कितना होता है? राज्यसभा के सदस्यों का सेवाकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष होता है। राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं वो 6 वर्ष के लिए निर्वाचित होते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आंसर भी दिया हुआ है, हर प्रश्न का नीचे उत्तर भी दिया हुआ है। प्रश्न संख्या 452 देखिएगा। पहले वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? पहला वित्त आयोग जो हुआ था वो कब गठित हुआ था? तो वह 1951 में पहला वित्त आयोग गठित हुआ था, विकल्प बी। प्रश्न संख्या 453 देखिएगा। यह निर्णय कौन लेता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? तो यह निर्णय कौन लेता है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, यह निर्णय कौन लेता है? तो चारों ऑप्शन आप लोग के सामने हैं। लोकसभा का अध्यक्ष निर्णय लेता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, यह निर्णय लोकसभा का अध्यक्ष लेता है, विकल्प डी। प्रश्न संख्या 454 देखिएगा। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु क्या होती है? भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु जो होती है वह 25 वर्ष होती है, 25 वर्ष, विकल्प सी। प्रश्न संख्या 455 देखिएगा। मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो वह प्रधानमंत्री करता है, प्रधानमंत्री, विकल्प ए। प्रश्न संख्या 456 देखिएगा। भारत में योजना आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? भारत में योजना आयोग का जो गठन हुआ था यह 1950 में, विकल्प बी। प्रश्न संख्या 457 देखिएगा। भारतीय योजना आयोग का गठन कब हुआ था? भारतीय योजना आयोग का जो गठन हुआ था यह 1950 में हुआ था, यही प्रश्न रिपीट कर दिया है, विकल्प सी। प्रश्न संख्या 458 देखिएगा। केंद्रीय मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव कहां पर प्रस्तुत किया जाता है? तो देखिए, अविश्वास प्रस्ताव जब भी लाया जाता है तो केवल लोकसभा में लाया जाता है, विकल्प बी। प्रश्न संख्या 459 देखिएगा। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र कौन बुला सकता है? तो संसद के दोनों सदनों का जो संयुक्त सत्र बुलाता है वह भारत का राष्ट्रपति बुलाता है, भारत का राष्ट्रपति, विकल्प ए। प्रश्न संख्या 460 देखिएगा। संसदीय प्रकार की सरकार में वह बराबर वालों में पहला होता है, वह कौन? तो देखिए, इसमें होगा प्रधानमंत्री। बराबर वालों में पहला कौन होता है? प्रधानमंत्री, विकल्प बी। मतलब मंत्रिपरिषद में प्रधान कौन होता है, मतलब यहाँ पर ये है, विकल्प बी, प्रधानमंत्री। प्रश्न संख्या 461। लोकसभा आयोजित करने के लिए अपेक्षित गणपूर्ति क्या है? तो लोकसभा आयोजित करने के लिए अपेक्षित गणपूर्ति जो होती है वह 1/10 है, 1/10 है,
तो विकल्प सी जो है वो सही है। प्रश्न संख्या 462 देखिएगा, पहले अविश्वास प्रस्ताव और दूसरे अविश्वास प्रस्ताव के बीच कितना अंतर होना चाहिए? 6 महीने का अंतर होना चाहिए। पहले विश्वास प्रस्ताव और दूसरे विश्वास प्रस्ताव के बीच में कितना अंतर होना चाहिए? 6 महीने का, विकल्प सी। प्रश्न संख्या 463 देखिएगा, भारतीय संसद में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? भारतीय संसद में जो लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है वो विपक्षी दल का नेता होता है, विपक्षी दल का नेता, विकल्प ए। प्रश्न संख्या 464 देखिएगा, भारत में निम्न में से किस पर किए गए खर्च के लिए हर वर्ष बजटीय अनुमोदन लेने की जरूरत नहीं होती? तो देखिए, प्राकृतिक संकट के लिए, प्राकृतिक संकट के लिए बजटीय अनुमोदन लेने की जरूरत नहीं होती, विकल्प बी। प्रश्न संख्या 465 देखिएगा, निम्न में से कौन सी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के अधिकार में नहीं है? कौन सी ऐसी नियुक्ति है जो भारत के राष्ट्रपति के अधिकार में नहीं है? तो लोकसभा का अध्यक्ष, लोकसभा का अध्यक्ष की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के अधिकार में नहीं होता है, विकल्प डी। जबकि भारत के मुख्य न्यायाधीश, वित्त आयोग के अध्यक्ष, थल सेना के अध्यक्ष, इन तीनों की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है, जबकि लोकसभा का अध्यक्ष की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति नहीं करता है। तो विकल्प डी जो है वो सही है। प्रश्न संख्या 466 देखिएगा, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का जो चुनाव होता है वो 6 वर्ष के लिए किया जाता है, विकल्प सी। प्रश्न संख्या 467, संसद की किस वित्तीय समिति में राज्यसभा का कोई प्रतिनिधित्व नहीं होता? संसद की किस वित्तीय समिति में राज्यसभा का कोई भी प्रतिनिधित्व नहीं होता? तो यह चारों समितियां हैं। तो देखिए, प्राकलन समिति में राज्यसभा का कोई प्रतिनिधित्व नहीं होता है। प्राकलन समिति में कुल 30 सदस्य होते हैं और जो 300 होते हैं वह लोकसभा से होते हैं, विकल्प बी। प्रश्न संख्या 468 देखिएगा, अप्रत्याशित व्यय संसद के पूर्व अनुमोदन के बिना किस निधि से किया जाता है? अप्रत्याशित व्यय जो होता है संसद के पूर्व अनुमोदन के बिना किस निधि से किया जाता है? तो भारत की आकस्मिक निधि से, भारत की आकस्मिक निधि से किया जाता है, विकल्प बी। प्रश्न संख्या 469, निम्न में से कौन सा प्रशासन पर विधायी नियंत्रण के अंतर्गत नहीं आता? कौन सा प्रशासन पर विधायी नियंत्रण के अंतर्गत नहीं आता? शून्यकाल आता है, स्थगन प्रस्ताव यह भी आता है, बजट प्रस्ताव, बजट सत्र जो होता है यह विधायी नियंत्रण का साधन नहीं है, जबकि किसी विधेयक निरूपण यह सही है। तो विकल्प सी जो होगा विधायी नियंत्रण के अंतर्गत नहीं आता, विकल्प सी। प्रश्न संख्या 470, वित्त आयोग के अध्यक्ष के लिए जरूरी है कि वह, तो देखिए वित्त आयोग के अध्यक्ष के लिए क्या जरूरी होता है? वित्त और बैंकिंग क्षेत्र का अनुभव हो, उच्च योग्यता वाला अर्थशास्त्री हो, न्यायपालिका का विशेषज्ञ हो व उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के स्तर का हो। तो देखिए, यह तीनों जो होता है जरूरी नहीं होता है, जरूरी नहीं होता है। सबसे जरूरी यह होता है सार्वजनिक मामलों में अनुभव वाला व्यक्ति हो, सार्वजनिक मामलों में अनुभव वाला व्यक्ति हो, विकल्प डी। प्रश्न संख्या 471 देखिएगा, संसदीय प्रकार की सरकार की एक प्रमुख विशेषता क्या होती है? संसदीय प्रकार की सरकार की एक प्रमुख विशेषता क्या होती है? तो देखिए, संसद के प्रति मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व, संसद के प्रति मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व, यही संसदीय प्रकार की प्रमुख विशेषता होती है, विकल्प डी। प्रश्न संख्या 472 देखिएगा, हाउस ऑफ द पीपल को लोकसभा का नाम किस वर्ष दिया गया? पहले लोकसभा को हाउस ऑफ द पीपल कहा जाता था, इसका नाम परिवर्तित किया गया था 1954 में, 1954 से इसे लोकसभा कहा जाने लगा। तो विकल्प ए जो है वो सही है। प्रश्न संख्या 473 देखिएगा, मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से उत्तरदायी है, मंत्रिमंडल जो है सामूहिक रूप से उत्तरदायी है, किसके प्रति? लोकसभा के प्रति, मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से उत्तरदायी है लोकसभा के प्रति, विकल्प सी। प्रश्न संख्या 474 देखिएगा, संसद किसके माध्यम से सार्वजनिक व्यय पर नियंत्रण रखता है? संसद किसके माध्यम से सार्वजनिक व्यय पर नियंत्रण रखता है? तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के माध्यम से सार्वजनिक व्यय पर नियंत्रण रखता है। संसद किसके माध्यम से सार्वजनिक व्यय पर नियंत्रण रखता है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के माध्यम से। तो विकल्प बी जो है वो सही है। प्रश्न संख्या 475 देखिएगा, इस सीरीज का सबसे आखिरी प्रश्न, राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री जो होता है वो राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष होता है, विकल्प ए। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल से जुड़ जाइएगा। धन्यवाद आप लोग को, इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। अगर आप लोग वह PDF लेना चाहते हैं तो आप लोग ले सकते हैं, फिर से बता रहा हूँ, यह मेरा फ़ोनपे नंबर है
39 72 76 फ़ोनपे नंबर है और व्हाट्सएप भी है, डिस्क्रिप्शन में भी यह नंबर आप लोग को मिल जाएगा। अमाउंट पे करना होगा वनली 300 और 300 में आप लोग को पूरा का पूरा 11,000 रामबाण प्रश्नों की सीरीज आप लोग को मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद आप लोग को।